हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम है इंडिया के नंबर वन पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप, और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक, मेक योर माइंड शार्प पर। लगा दो आग पानी में, रवानियों से कहते हैं छीनेंगे नंबर अपने बोर्ड से, कहानियों से कहते हैं। और इस बार की कहानी एएस टेक्निक के धाकड़ से सैनियों द्वारा लिखी जाने वाली है। सो भैया जी, पिछले लेक्चर में हमारा टू पोर्ट नेटवर्क टॉपिक जो है वो फिनिश हो चुका था, और आज के लेक्चर में हम सभी लोग बात करेंगे सबसे पहले सिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में। अच्छा एक चीज सुनो बेटा, अभी सिमेट्रिकल नेटवर्क हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में भी पढ़ चुके हैं, आया ना? टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल नेटवर्क हम लोगों ने क्या बोला था, सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? तो सिमेट्रिकल नेटवर्क ये होता है कि एक ऐसा नेटवर्क, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक ऐसा नेटवर्क क्या होता है सिमेट्रिकल नेटवर्क, जल्दी से बताओ। एक ऐसा नेटवर्क जिसके जिसके इनपुट तथा आउटपुट को आपस में चेंज करने पर, एक ऐसा नेटवर्क जिसके इनपुट तथा आउटपुट को आपस में क्या करने पर बेटा जी, चेंज करने पर, आपस में चेंज अर्थात आपस में परिवर्तित करने पर एक ऐसा नेटवर्क जिसमें इनपुट तथा आउटपुट को आपस में परिवर्तित करने पर नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आता है, नेटवर्क के गुणों में कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसे नेटवर्क क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाते हैं। ऐसे नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाते हैं। बताओ भैया जी, सबसे पहले तो आप बताओ हमें, क्या आपको सिमेट्रिकल नेटवर्क की डेफिनेशन याद हो गई? सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क जिसके इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर दें, फिर भी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना हो, तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाएगा? ऐसा नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क जो होता है, सिमेट्रिकल नेटवर्क को इनपुट साइड से देखने पर या आउटपुट साइड से देखने पर, दोनों तरफ से देखने पर सिमिलर कैसे होते हैं, वो समान होते हैं। चाहे आप इनपुट की तरफ से देख लो, चाहे आप आउटपुट की तरफ से देख लो, दोनों तरफ से वो सेम होंगे, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। अब सर ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहां क्यों पढ़ रहे हैं? सुनो बेटा, पहले तो पढ़ चुके हो, बट पहले हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हमें पढ़ना है सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज के बाद टी टाइप सिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी और पाई टाइप सिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी। क्लियर, ये पूरा टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आइए, सिमेट्रिकल नेटवर्क तो हमें समझ में आ गया, अब हम लोग बात करेंगे टी टाइप सिमेट्रिकल नेटवर्क की। इसकी बात करेंगे टी टाइप सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो टी टाइप सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा सिमेट्रिकल नेटवर्क
जो अंग्रेजी भाषा के टी अक्षर के समान होता है उसे हम सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम उसे हम सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेटवर्क, तो ये नेटवर्क आपका एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। कैसे पता? देखो इनपुट साइड ये है आपकी और आउटपुट साइड ये है आपकी, इधर पे भी जेड वन लगा हुआ है, इधर पे भी जेड वन लगा हुआ है, इधर पे भी जेड टू लगा हुआ है। अब चाहे इनपुट साइड से देखो, तुम इनपुट साइड से देखने पर तुम्हें क्या मिल रहा है? देखो जेड वन जेड टू के साथ किस में है? सीरीज में। जेड वन जेड टू के साथ किस में है? सीरीज में। और जेड टू इस वाले जेड वन के साथ किस में है? पैरेलल में। चलिए आउटपुट साइड से देखो, आउटपुट साइड से देखने पर जेड वन जेड टू के साथ किस में है? सीरीज में। जेड वन जेड टू के साथ किस में है? सीरीज में। लेकिन ये जेड टू इस जेड वन के साथ किस में है? पैरेलल में। तो देखो चाहे इनपुट के तरफ से देख लें हम, चाहे आउटपुट के तरफ से देख लें हम, दोनों तरफ से हमें एक जैसी चीजें दिखाई दे रही है, दोनों तरफ से हमें एक जैसी चीजें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। क्या है? यह एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। तो सिमेट्रिकल मतलब बता क्या? सिमेट्रिकल मतलब यही कि इनपुट को आउटपुट में और आउटपुट को इनपुट में चेंज करने पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हो, तो ऐसे नेटवर्क को हम सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बोलो क्या बात क्लियर हो गई। यदि हाँ तो आज तुम्हें हमारे लिए एक काम करना है, जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज के जितने दोस्तों को जानते हो सबको हमारी वीडियो क्या कर दें, जल्दी से शेयर कर दें, उन्हें बता दें कि NFTL का बेहतरीन लेक्चर जो है रेगुलर लाइव चलता है रात को 8:15 पर। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव जुड़िएगा AS टेक्निक ऐप पर और AS टेक्निक यूट्यूब चैनल पर, दोनों जगह ये क्लासेस चल रही है। आपको बता दें पहला चैप्टर हमारा चल रहा है टू पोर्ट नेटवर्क टॉपिक, कल लैडर नेटवर्क तक की बातें हम कर चुके थे, आज हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क की। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? मैंने आपको बताया एक ऐसा नेटवर्क जिसके इनपुट को आउटपुट में, आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करने पर, इंटरचेंज करने पर उसकी प्रॉपर्टी में नो चेंज, कोई चेंज ना आए, तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की बात करी, तो एक टी नेटवर्क क्या होता है? जो अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर के समान दिखाई देता है उसे हम टी नेटवर्क कहते हैं। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कैसा बनेगा? जब उसकी सीरीज आर्म में समान इंपेडेंस कनेक्ट हो। क्या बेटा? सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कब बनेगा? जब सीरीज आर्म में, जब सीरीज आर्म में समान इंपेडेंस कनेक्ट हो, सीरीज आर्म में समान इंपेडेंस अगर आपकी कनेक्ट है तो आपका वो नेटवर्क क्या कहलाएगा? वो नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कहलाएगा। कहलाएगा वो आपका सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कहलाएगा। ये देखो सीरीज इंपेडेंस समान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये आपका एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। क्या है ये आपका एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपका सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। क्यों है? क्योंकि देखो ये जेड वन बाई टू है, ये जेड वन बाई टू, मतलब ये सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। यहाँ पे देखो ये जेड वन, ये जेड वन, तो ये भी आपका क्या है? सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। सिमेट्रिकल दोनों है, हाँ ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस है। तो बैलेंस अनबैलेंस की बात नहीं होगी, बात होगी सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। तो यहां दोनों नेटवर्क आपके सिमेट्रिकल हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों की सीरीज इंपेडेंस सिमिलर है, दोनों की ही सीरीज इंपेडेंस कैसी है? सिमिलर है। दैट्स व्हाई बोथ आर सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? आया ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग पाई नेटवर्क की। पाई नेटवर्क क्या होता है? पाई नेटवर्क जो ग्रीक भाषा, ये ग्रीक वर्ड पाई के समान दिखाई देता है, जो पाई होता है ना, ये इसके समान दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पाई नेटवर्क। अब सिमेट्रिकल पाई कब बनेगा? जब बोथ पैरेलल आर्म, बोथ पैरेलल इंपेडेंस आर सेम। दोनों पैरेलल इंपेडेंस कैसे होंगे? अगर दोनों पैरेलल इंपेडेंस अगर आपके सेम होते हैं तो वो क्या बनता है? तो वो आपका सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बनता है, वो आपका सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ऐसे देखो यहाँ पे 2Z2 2Z2, दोनों पैरेलल आर्म सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये आपका सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। क्या है ये? ये आपका सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क है, सॉरी टी नेटवर्क बोल दिया था मैंने, ये आपका सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क।
मैं फिर कह रहा हूं NFTL तुम कहीं पढ़ लो, तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं, और कुछ समझ में नहीं आएगा। और यकीन मानो बेटा, मैं अपनी तरफ से इतना प्रयास करूंगा कि अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन भी समझा रहा हूं ना, तो वो लाइन तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। लेकिन अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, AS टेक्निक आपके लिए रेगुलर क्लास दे रहा है, तो उसके लिए आपका भी बेटा फर्ज बन जाता है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ वीडियो शेयर करें, उन्हें बताएं कि AS टेक्निक पर रेगुलर लाइव क्लास चल रही है और इन लाइव क्लासों से आपको जुड़ना है, पढ़ना है, अदरवाइज बैक खा जाओगे। और अगर आपको वैसे पढ़ना है तो फिर आप AS टेक्निक ऐप पर जाओ, मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप AS टेक्निक ऐप पर जाएं, ऐप पर जाकर के आप पूरा सिलेबस, क्योंकि ध्यान रखना YouTube पर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कतई नहीं देने वाला, YouTube पर कंप्लीट सिलेबस कभी नहीं आएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको केवल और केवल AS टेक्निक ऐप पर मिलेगा। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आप हमारा AS टेक्निक ऐप ज्वाइन करें, तैयारी करें। देखो बेटा 500-500 में तीन बार रिवॉल्यूशन फॉर्म या बैक फॉर्म भरने से अच्छा है कि आप AS टेक्निक का कोर्स परचेस करें और अपनी तैयारी मेहनत के साथ करें, क्योंकि रोज मेहनत करके जो तैयारी की जाती है ना, उसके नंबर पेपर में अलग चमकते हुए दिखाई देते हैं। जाएं और अभी के अभी अपना कोर्स परचेस करें, 7310111134 नंबर पे कॉल करें, अभी आपके ऑफर चल रहे हैं, इन ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने सिमेट्रिकल नेटवर्क्स की बात तो कर ली, सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात तो कर ली, अब हमें बात करनी है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क जो हमारे होते हैं उनमें कुछ क्या होती है बेटा जी, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो नेटवर्क की, कौन से नेटवर्क की? सिमेट्रिकल नेटवर्क की मुख्य विशेषताएं, सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल नेटवर्क के मुख्य दो अभिलक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? पहली होती है आपकी अभिलक्षणिक प्रतिबाधा, कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़नी है सिमेट्रिकल नेटवर्क की। इसके अलावा और भी हैं, अटेन्युएशन कांस्टेंट है, इंसर्शन लॉस है, ठीक है, बट हम लोगों को उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें वो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले इन दो के बारे में आज डिस्कस, आज हम इन दो नेटवर्क के बारे में, इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपकी अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा, क्या है? अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा। और दूसरी आपकी है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। आइए समझते हैं कि ये दोनों है क्या आखिर। बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने एक नेटवर्क बनाया जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, जा रहा है इनफाइनाइट तक, समझना ध्यान से, डायग्राम में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा मतलब बहुत ही, मतलब इतना भी कि आप बस देखते जाओगे उस डायग्राम बन जाएगा। ये हमने क्या बनाया हुआ है, ये हम लोगों ने एक सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क बनाया। कहां जा रहा है ये? इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां जा रहा है ये? अनंत लाइन तक जा रहा है। मान लीजिए कि इसकी इनपुट इंपीडेंस आपकी जेड ओ है। क्या है इसकी? इसकी इनपुट इंपीडेंस आपकी जेड ओ है। अगर हम सिमेट्रिकल नेटवर्क का लैडर अनंत लाइन तक बनाए, क्या करें? अगर हम सिमेट्रिकल नेटवर्क का लैडर नेटवर्क अनंत लाइन तक बनाएं, तो प्रत्येक नेटवर्क की, प्रत्येक नेटवर्क की जो इनपुट इंपीडेंस होगी वो समान रहेगी। क्या रहेगी? तो प्रत्येक इनपुट इंपीडेंस की, प्रत्येक नेटवर्क की जो इनपुट इंपीडेंस है वह समान रहती है। इसी इंपीडेंस को, इसी इनपुट इंपीडेंस को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं, मतलब अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक प्रति
बाधा कहते हैं। समझ में आया क्या? नहीं आया फिर से समझो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सिमेट्रिकल नेटवर्क लो और सिमेट्रिकल नेटवर्क का एक लैडर बनाते हो कहां तक? अनंत तक। तो प्रत्येक नेटवर्क की जो इनपुट इंपीडेंस होती है वो हमेशा समान रहती है। प्रत्येक सेक्शन की, हर एक सेक्शन की जो इनपुट इंपीडेंस होती है वो हमेशा समान रहती है। अगर हम मान लो अगर हम इसमें एक और सिमेट्रिकल नेटवर्क जोड़ दें, इसमें इस पूरे नेटवर्क में अगर हम क्या कर दें, एक और सिमेट्रिकल नेटवर्क जोड़ दें। मान लो ये देखो, ये आपका था अनंत तक, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक और इंपीडेंस जोड़ दी, एक और नेटवर्क जोड़ दिया। लो भैया बोलो, नहीं जोड़ सकते क्या हम ऐसे? तो भी इसके इनपुट इंपीडेंस क्या होगी? तो भी इसकी इनपुट इंपीडेंस जेड जीरो होगी। ठीक है, तो भी इसकी जो इनपुट इंपीडेंस है वो क्या होगी? जेड जीरो होगी, चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। क्यों? बिकॉज अभी भी तो ये इनफाइनाइट लाइन तक ही जा रहा है ना, सिमेट्रिकल नेटवर्क जा तो अभी भी इनफाइनाइट लाइन तक जा रहा है ना। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट लाइन तक। सर ऐप पर क्लास नहीं चल रही है? बेटा बिल्कुल चल रही है, बच्चे जुड़े भी हुए हैं, आप पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं। नेहा यादव जी देखो क्लास देख रही हैं, है ना, और शिवानी भास्कर जी क्लास देख रही हैं, गौतम क्लास देख रहे हैं, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अगर हमने एक नया नेटवर्क जोड़ भी दिया तो भी इनपुट इंपीडेंस उसकी जेड जीरो ही रहेगी। अच्छा, तो सर क्या एक इंपीडेंस घटा देंगे तो भी सेम रहेगी? बिल्कुल बेटा, अगर हम एक इंपीडेंस इसमें घटा भी देंगे तो भी इनपुट इंपीडेंस सिमेट्रिकल ही रहने वाली है। क्या कर दे, देखो जैसे मान लो ये था आपका, इसमें से मैंने ये वाला हटा दिया, एक इनपुट इंपीडेंस हटा दिया, तो हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी जा तो ये इनफाइनाइट लाइन तक है ना, सिमेट्रिकल नेटवर्क अनंत लाइन तक जा रहा है। जब भी सिमेट्रिकल नेटवर्क अनंत लाइन तक जाएगा तो उसकी इनपुट इंपीडेंस आपकी हमेशा क्या रहेगी? जेड जीरो रहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं। तो यदि एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस द्वारा टर्मिनेट किया जाए तो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इनपुट इंपीडेंस जेड जीरो ही रहती है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला यदि एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाए तो भी नेटवर्क की इनपुट इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर ही रहती है, यही कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहलाती है। बोलो अभी आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। वन प्लस कर दो चाहे वन माइनस कर दो, टू प्लस कर दो चाहे टू माइनस, जितने सिमेट्रिकल नेटवर्क तुम्हें प्लस करने और जितने सिमेट्रिकल नेटवर्क तुम्हें माइनस करने, इंपीडेंस इनपुट इंपीडेंस चेंज ना हो। कितने भी सिमेट्रिकल नेटवर्क तुम ऐड कर लो, कितने भी सिमेट्रिकल नेटवर्क तुम टर्मिनेट कर दो, फिर भी उसकी इंपीडेंस इनपुट इंपीडेंस चेंज ना हो तो ऐसी इनपुट इंपीडेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या अभिलक्षित प्रतिबाधा कहते हैं। बोलो नहीं आई बात समझ में? मैं कह रहा हूं बेटा एक एक चीज पॉइंट क्लियर होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर हमने केवल डायग्राम पढ़ाया, अभी हमने ये सब तो पढ़ा ही नहीं कि जब हम सिमेट्रिकल नेटवर्क को अनंत लाइन तक जोड़ते हैं तो प्रत्येक नेटवर्क का इनपुट टर्मिनल की जो प्रतिबाधा होती है वो उसका मान हमेशा सापेक्ष रहता है। अगर हम सिमेट्रिकल नेटवर्क को अनंत लाइन तक जोड़ते हैं तो प्रत्येक सिमेट्रिकल नेटवर्क की इनपुट इंपीडेंस का मान हमेशा निश्चित रहता है। इस इंपीडेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या अभिलक्षणिक प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम अभिलक्षणिक प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे ये देखो, समझ गए? बोलो हाँ। यान अगर हम इस अनंत लाइन के
नेटवर्क में एक और सिमेट्रिकल नेटवर्क जोड़ दें तो भी उसकी इनपुट इंपेडेंस जेड जीरो ही रहेगी, या ये टर्मिनेट कर दें तो भी इनपुट इंपेडेंस जीरो रहेगी। मतलब बेटा क्या है, मतलब ये है कि अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क को अनंत लाइन तक तुमने जोड़ा तो उसमें तुम चाहे जितने सिमेट्रिकल नेटवर्क एड कर दो, चाहे जितने सिमेट्रिकल नेटवर्क तुम टर्मिनेट कर दो, उसकी इनपुट इंपेडेंस चेंज कभी होती नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहती है। ऐसी इनपुट इंपेडेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कहते हैं। बोलो डेफिनेशन आई कि नहीं, आई डेफिनेशन की नहीं, आ गई ना, चलो बढ़िया बात है। ठीक है, सो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, डायग्राम जरूर बनाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा के बारे में सर हम लोग समझ चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब दूसरा है बेटा जी आपका प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट। अगला क्या है, अगला है आपका प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, आओ बेटा पढ़ते हैं प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। देखो हमने क्या किया, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट में हमने टू पोर्ट नेटवर्क को हमने अनंत लाइन तक जोड़ते जा रहे हैं, मान लो ठीक है जोड़ते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रत्येक सेक्शन के, प्रत्येक सेक्शन के आउटपुट करेंट और इनपुट करेंट के अनुपात को, आउटपुट करेंट और इनपुट करेंट के अनुपात को प्रोपोगेशन नियतांक कहते हैं। इसे e की पावर गामा से प्रदर्शित करते हैं। बोलो नहीं आया, पल्ले नहीं पढ़ो मास्टर। मोनिका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड इवनिंग बेटा। देखो जो जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, पहले तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम्हें NFTL का मास्टर बनना है तो पहले आप अपने कॉलेज के एक एक बच्चे से कहें कि क्लास से जुड़े और AS टेक्निक ऐप पे जरूर जुड़ जाएं सभी बच्चे, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस ओनली ऑन अवेलेबल AS टेक्निक ऐप। कहां मिलेगा वो मिलेगा आपको केवल और केवल AS टेक्निक ऐप। ठीक, तो सभी लोग AS टेक्निक ऐप को ज्वाइन जरूर कर ले। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैंने बनाया एक टू पोर्ट नेटवर्क, क्या बनाया एक टू पोर्ट नेटवर्क बनाया, मान लो ये एक नेटवर्क बना, इधर से जाने वाली करंट कितनी है मान लो आपकी आई एस है, इधर निकलने वाली करंट कितनी है मान लो आपकी आई वन है। अब इसमें जाने वाली करंट आई वन है तो इससे निकलने वाली करंट कितनी है आई टू है, इसमें जाने वाली आई टू है तो इससे निकलने वाली कितनी हो जाएगी आई थ्री, इसमें जाने वाली आई थ्री तो इससे निकलने वाली कितनी होगी मान लो आई फोर, ऐसे चलता जा रहा है। तो प्रत्येक सेक्शन को उठाओ, हर एक सेक्शन को, मान लो हमने पहले ही सेक्शन उठा लिया, उठा लिया हमने, हमने उठाया पहला सेक्शन, इस पहले सेक्शन में, ये मान लो पहला सेक्शन, इस पहले सेक्शन में आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो अनुपात होता है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो e की पावर गामा के बराबर होता है। ठीक है, जहां पे गामा को हम क्या बोलते हैं, जहां गामा हमारा प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट कहलाता है, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट कहलाता है। बताओ नहीं बात समझ में आई, कोई भी सेक्शन उठा लो। सर जी दूसरा सेक्शन उठाएंगे तो बेटा दूसरा सेक्शन होगा तो e की पावर गामा बराबर हो जाएगा आई टू अपॉन आई वन। सर जी अगर हम e की पावर दो तीसरा वाला सेक्शन उठाएं तो तीसरे वाले सेक्शन के लिए e की पावर गामा बराबर आई थ्री अपॉन आई टू। तो सर अगर एक बात बताओ, अगर मैं आई थ्री अपॉन आई एस कर दू तो बेटा तुम्हें देखो क्या करना पड़ेगा, आई थ्री अपॉन आई टू इंटू आई टू अपॉन आई वन इंटू आई वन अपॉन आई एस, आई थ्री अपॉन आई एस किया ना तुमने डायरेक्ट, तो तुमने एक दो तीन सेक्शन को मिला दिया तो तीनों का प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट भी मिल जाएगा। तो आई थ्री के लिए क्या होगा आई थ्री अपॉन आई टू, I2 के लिए क्या होगा I2 upon I1, और I1 के लिए क्या होगा I1 upon IS, तब जाकर के I3 upon IS बनेगा। तो देखो I3 upon I2 की वैल्यू क्या होगी e की पावर गामा, I2 upon I1 की वैल्यू क्या होगी e की पावर गामा, और I1 upon IS की वैल्यू की भी क्या होगी e की पावर गामा, अगर मिला दो तो e की पावर 3 गामा
बराबर हो जाएगा आपका आई थ्री अपॉन आई एस। बोलो आया ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। मुस्कान जी बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बिल्कुल बेटा गुड इवनिंग राहुल कुमार सिविल जी। ठीक है, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट किसी भी नेटवर्क की इनपुट और आउटपुट करंट का रिलेशन बताता है, इसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम सिमेट्रिकल नेटवर्क को, अगर हम सिमेट्रिकल नेटवर्क की एक क्या बनाते हैं बेटा जी, नेटवर्क बनाते हैं, तो इसके प्रत्येक सेक्शन में आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो अनुपात होता है वही की पावर गामा के बराबर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे गामा हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहलाता है। और इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, क्योंकि आने वाली धारा और जाने वाली धारा विपरीत फेज में होती है, क्या होती है, अपोजिट फेज में होती है, इस वजह से सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है बेटा कैसे आ जाएगा तुम्हें, अपोजिट फेज में होती हैं, इस वजह से दोनों करंट का जो रेशियो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जहां जो गामा होता है उस गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू होती है हमारी अल्फा प्लस जे बीटा। गामा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ई की पावर गामा बराबर हो जाएगा आई एस अपॉन आई वन, आई एस अपॉन आई वन, आई एस अपॉन इनपुट अपॉन आउटपुट, क्या होता है इनपुट अपॉन आउटपुट। जैसे मान लो आई थ्री, आई थ्री नहीं सॉरी, आई एस अपॉन आई थ्री निकालना था, मान लो आपको निकालना है आई एस अपॉन आई थ्री, तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे आई एस अपॉन आई वन पे, आई एस अपॉन आई वन पे, फिर जाओगे आई वन अपॉन आई टू पे, आई वन अपॉन आई टू पे, फिर जाओगे आप आई टू अपॉन आई थ्री पे, पहुंचोगे आई एस अपॉन आई थ्री। तो इसकी भी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की पावर गामा, इसका भी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की पावर गामा, इसका भी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की पावर गामा, तीनों को मिला दो थ्री की पावर कितना हो जाएगा आपका, थ्री गामा। नहीं हो जाएगा बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही माना, ऐसे ही हमने माना कि, हमने माना कि हमारा कोई एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट, हमने माना कि हमारा एक कोई सिमेट्रिकल नेटवर्क का लाइन है जिसमें फाइनली आने वाली वैल्यू आपकी आई एस है और जाने वाली धारा आपकी आई आर है, जहां टोटल सेक्शन कितने बन रहे हैं, जहां टोटल सेक्शन मान लो अल्फा बन रहे हैं, तो आई एस अपॉन आई आर बराबर ई की पावर अल्फा गामा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे गामा क्या होती है, जहां गामा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस जे बीटा होती है, अल्फा प्लस जे बीटा होती है, तो यहाँ पे हम लोग ई की पावर गामा की वैल्यू क्या रखेंगे, ई की पावर गामा बराबर ई की पावर गामा की जगह पे रख दो अल्फा प्लस जे बीटा, बेस सेम पावर एड है तो पावर अलग अलग कर दो, ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर जे बीटा हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। e की पावर गामा इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लो, क्योंकि जो आपका e की पावर j बीटा होता है इसकी वैल्यू होती है, e की पावर j बीटा की वैल्यू होती है आपकी cos बीटा प्लस j sin बीटा, cos बीटा प्लस j sin बीटा। ये कहां से आई सर, ये आई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने पढ़ाई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी अगर, तो वहां से ये वैल्यू आती है cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, ये वैल्यू e की पावर अल्फा z की होती है, e की पावर थीटा की वैल्यू क्या होती है, e की पावर i थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो e की पावर j बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos बीटा प्लस j बीटा। तो यहां से cos बीटा प्लस j बीटा आ गया, इसका मापांक कोणांक निकाल लो जल्दी से, इसका मापांक कोणांक निकालोगे तो e की पावर गामा बराबर e की पावर अल्फा इंटू अंडर रूट के अंदर मापांक हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, मतलब साइन बीटा अपॉन आपका कॉस बीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ई की पावर गामा बराबर ई की पावर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन हो गया, ठीक है, एंगल आपका क्या है टेन इनवर्स टेन बीटा, tan इनवर्स tan बीटा, tan से tan कट गया तो e की पावर गामा किसके बराबर हो गया, e की पावर अल्फा इंटू एंगल बीटा,
e की पावर गामा किसके बराबर हो गया, e की पावर गामा आपका बराबर हो गया है, e की पावर गामा बराबर हो गया है e की पावर अल्फा इंटू एंगल बीटा के बराबर। अब मान लो कि सिमेट्रिकल नेटवर्क में टोटल n सेक्शन है, सिमेट्रिकल नेटवर्क में टोटल कितने सेक्शन है, टोटल n सेक्शन है, तो इनपुट सेक्शन आपका IS अपॉन आउटपुट करंट IR बराबर e की पावर n गामा हो जाएगी। अगर ये n गामा हुई तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर n अल्फा एंगल n बीटा, ये इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बस तो यही आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट का क्या होता है, वैल्यू होता है, ठीक है, यही आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट का वैल्यू होता है। अब अगर मान लो इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज कितना है, मान लिया हमने इनपुट वोल्टेज आपका होता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू आई आर, तो ई एस इक्वल टू हो जाएगा आपका आई एस इंटू जेड जीरो, क्योंकि इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस समान होती है, और ई आर बराबर क्या हो जाएगा आपका आई आर इंटू जेड जीरो। तो यहां देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ये थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में क्या कर दिया, आई एस में जेड जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया और आई आर में भी जेड जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत ऊपर नीचे जेड जीरो का मल्टीप्लाई करने पर, तो ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी ई एस की, और ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी ई आर की, तो ई एस अपॉन ई आर किसके बराबर हो गया, ई की पावर एन अल्फा एंगल एन बीटा के बराबर हो गया, खत्म बात, बोलो आया कि नहीं, यही आपका प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोपोगेशन कांस्टेंट की, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है और ये कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, जिसमें आगे की बातें करेंगे, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, इंसर्शन लॉस, ये क्या होते हैं और ये कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो एक बार प्रोपोगेशन कांस्टेंट और समझ लेते हैं, क्योंकि अगर डाउट रहा होगा तो जल्दी से क्लियर कर लेंगे हम। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया प्रोपोगेशन कांस्टेंट इनपुट और आउटपुट करंट का रिलेशन होता है। किसी भी नेटवर्क के सेक्शन में प्रवेश करने वाली धारा और बाहर निकलने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम e की पावर गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां गामा प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहलाता है। क्योंकि इनपुट में जाने वाली करंट और आउटपुट से निकलने वाली करंट अपोजिट फेज में होती है, इस वजह से गामा की जो वैल्यू होती है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है। माना कि हमने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया, इसमें जाने वाली धारा आई एस, आने वाली धारा आपकी आई वन, तो आई एस अपॉन आई वन की वैल्यू e की पावर गामा है, जहां पे गामा आपका क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इनपुट अपॉन आउटपुट। अब माना अगर हमें आई एस अपॉन आई थ्री करना है तो हम क्या करेंगे, आई एस अपॉन पहले आई वन, फिर आई वन अपॉन आई टू, फिर आई वन आई टू अपॉन आई थ्री, ऐसे करते जाएंगे। तीन करने तो e की पावर तीन अल्फा है, मान लो हमें एन करने हो तो e की पावर एन अल्फा आ जाएगा। गामा क्या होता है, गामा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू अल्फा प्लस जे बीटा होती है, तो हमने रख दिया e की पावर गामा बराबर e की पावर अल्फा प्लस जे बीटा, ऊपर दो प्लस में है सेपरेट कर दिया e की पावर अल्फा e की पावर जे बीटा, e की पावर जे बीटा जो होती है इसकी वैल्यू ये होती है, इसका हमने मॉडुलस निकाल दिया, एम्पलीट्यूड निकाल दिया, मापांक कोणांक निकाला, तो हमें e की पावर गामा की वैल्यू ये मिल गई। तो ये तो एक सेक्शन के लिए है, ये किसके लिए है, फॉर वन सेक्शन, एक सेक्शन। अगर मान लो ऐसे n सेक्शन कनेक्ट हो जाएं, तो e की पावर n अल्फा इंटू आपका n बीटा हो जाए, ठीक है। अब आई एस अपॉन आई आर है, तो इनपुट वोल्टेज कितनी होती है आपकी, e इक्वल टू आई इंटू आर, और आउटपुट वोल्टेज ये हो गई, तो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज तो ऊपर नीचे जेड जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने ये वोल्टेज के टर्म में लिख लिया प्रोपोगेशन कांस्टेंट, खत्म। इज दैट क्लियर सबको, चलो। तो ये आपका हो गया कि सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस और प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ध्यान रखना है एग्जाम में कैसे आता है सर क्वेश्चन, तो एग्जाम में आएगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या है डिफाइन करो, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या है डिफाइन करो, सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या है उसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस या प्रोपोगेशन कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो इस तरीके से आपको करना है, क्लियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको केवल मिलेगा एएस टेक्निक ऐप पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर वन पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक, ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत,
वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप, और हां अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी